दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में अपनी सनसनी मचा दी, और आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी को लेकर सौरभ गांगुली ने क्या ऐलान किया है, ये तो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम आईपीएल समाप्त होने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है, और इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने कई युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है, तो वहीं कई अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से आराम दिया गया है। और इस सीरीज में भारतीय टीम अपनी भारतीय सरजमी पर ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी की पूरी सीरीज विभिन्न विभिन्न मैदानों पर खेलेगी, और इसके लिए भारतीय टीम 5 जून को पहले मुकाबले के लिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पहुंचेगी, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज 9 जून से प्रारंभ होकर 19 जून तक चलेगी, जिसके लिए दोनों ही टीमें जमकर तैयारियां कर रही हैं। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक ऐलान कर दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। दरअसल बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए एक बैकअप कोच या फिर असिस्टेंट कोच के रूप में भारत की टीम के साथ भेजा जा सकता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत इतनी ज्यादा बेहतर है कि जिसकी वो जिम्मेदारी ले लें तो उसको पूरा करना जानते हैं, और इसी कारण से महेंद्र सिंह धोनी को असिस्टेंट कोच के रूप में भारतीय टीम के साथ साउथ अफ्रीका खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए रवाना किया जा सकता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी दुनिया में अपनी कप्तानी से तहलका मचा रखा है। उनके जैसा कप्तान पूरी दुनिया में किसी भी टीम के पास नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से टीम को चलाना जानते हैं उसका तोड़ किसी भी गेंदबाज या बल्लेबाज के पास नहीं है। और महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय टीम के साथ जुड़ा रहना बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को चाणक्य नीति के दिमाग वाला व्यक्ति माना गया है, और महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से सोचते हैं उसका कोई भी निवारण नहीं है, और इसी कारण से महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ असिस्टेंट कोच के रूप में भेजा जा सकता है, क्योंकि इस समय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ है जिनको पद से हटाना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के लिए कप्तानी करते हुए 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी भारत को दिलाई है, और महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने आईसीसी के 3 ट्रॉफी को अपने नाम हासिल किया है, और इनके रिकॉर्ड को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को टीम का कोच बना देना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।